देखिए, चुना हुआ व्यक्ति होने के नाते मैं समझता हूँ कि आज मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें मैंने ये कहा है कि पिछले जब हम लोग विपक्ष में थे उसमें प्रदेश के नौजवानों की हम लोग आवाज़ उठाते रहे जो बेरोजगार हैं। अब आज की डेट में सबसे बड़ा मसला ये है कि हिमाचल प्रदेश में सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बोर्ड जो है, जहाँ की धांधलियाँ हो रही थी वो हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया था। बहुत सारे प्रदेश में हजारों लाखों नौजवान नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दे के रखे हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, बार बार चुने हुए व्यक्तियों को मिल रहे हैं। मैं एक चुनाव व्यक्ति, एक विधायक होने के नाते कई बार मुझे मिलते हैं, इसके अलावा मेरे साथी विधायकों को मिलते हैं। मैंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि 1 साल 2 महीने होने जा रहे हैं और हमने प्रदेश में जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें भी हमने कहा था कि 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में। तो अभी तक हम लोगों के रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। एक सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में कुछ लोगों ने धांधली करी है, बेईमानी करी है, करप्शन करी है, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, परंतु उनकी जगह ईमानदार लोग लगाने चाहिए। और साथ में प्रदेश का जो नौजवान है जो राह देख रहा है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, उसकी आवाज़ जो हमने पहले भी व्यक्तिगत तौर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ये कही है कि भाई इनके इनके रिजल्ट निकलने चाहिए। उन्होंने इंश्योर भी किया था कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हम बहाल करेंगे, परंतु हुआ नहीं। और कई बार बोलने के बावजूद भी आज प्रदेश के जो नौजवान हमें बाहर जगह जगह मिलते हैं, तो मैंने पत्र खुला इसलिए लिखा है ताकि उन लोगों को पता लगे कि हमने उनकी आवाज बुलंद की है। उसी तरीके से करुणामूल के आधार पर जो लोग 5,000 के करीब है और वो सड़कों पर पिछली सरकार में भी बैठे रहे, विभिन्न विभागों में सैकड़ों नहीं हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उनके कमाने वाले जो लोग थे वो चले गए, वो उन लोगों की आर्थिक संकट में है, तो उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा, मैंने कहा कि आपने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में 1 साल पहले जो घोषणाएं करी थी, जिसमें 2 घोषणाएं कैबिनेट में पास हुई हैं, बाकी की जो बची हैं उनको आप कृपया पूरी करें। और क्योंकि सुजानपुर की जनता का भी सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए लोगों की उनकी उम्मीदें हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री को याद लाया और चुने हुए व्यक्ति होने के नाते मैं लोगों की आवाज को बुलंद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसलिए प्रदेश की जनता जो है उसकी आवाज को बुलंद करना, नौजवानों की आवाज को बुलंद करना, अपने चुनाव क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करना, मैं समझता हूं कि मेरा ये नौकरी भी है, मेरी जिम्मेवारी भी है जो मैंने निभाई है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू संवेदनशील है और इनको इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत इस पे जो है एक्शन लेंगे।